मास्टर जी, इस बहन का नाम बबली है। इस बहन के जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। यह बहन खटीमा की रहने वाली है। इस बहन के दो बच्चे हुए थे, दोनों पैदा होते ही एक्सपायर हो गए थे। फिर उसके 3 साल बाद इस बहन को एक बेटा हुआ, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टर ने 15 दिन तक उस बेटे को मशीन में रखा, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। फिर एक दिन पे दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने इस बच्चे को बोला कि इसे घर ले जाओ। यह बहन बच्चे को घर लेकर आ गई। बच्चे को बबीता मास्टर के चर्च के बारे में पता चला और उस चर्च के बड़े बड़े कामों के बारे में पता चला। उस वक्त ये बहन मसीह में नहीं थी। तब एक दिन इस बहन ने ये फैसला किया कि मैं अपने बेटे को लेकर चर्च में जाऊंगी। और ये बहन अपने बेटे को चर्च में लेकर के आई। और पास्टर जी, आपको इस बहन ने अपनी सारी परेशानी बताई। पास्टर जी, आपने इस बहन के लिए प्रार्थना की। उस वक्त से लेकर अभी तक ये बच्चा भला चंगा है और आप सभी के सामने है। सो बहन, अभी आपका बेटा कैसा है? सबको जय मसीह की। मेरा बेटा है एक बिल्कुल ठीक ठाक है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सही है, हालेलुया। सो ये बच्चा डॉक्टरों ने मना कर दिया था मशीन से। 14 दिन के बाद मशीन से इस बच्चे को निकाल करके लेकर आए चर्च में और डॉक्टरों ने मना कर दिया था। उन्होंने हमें बताया परेशानी और इसको प्रार्थना हुई। परमेश्वर ने उसको जीवन दिया है। वो परमेश्वर महान है और जीवन देने वाला परमेश्वर है। सब दूसरी कमाई। फिर इस बहन को उस बेटे के बाद कोई संतान नहीं हुई। फिर 6 साल के बाद ये बहन दूसरी संतान को चाहती थी। और एक दिन पास्टर जी, आपने प्रार्थना के दौरान एक दर्शन देखा कि बबली, आपको एक बेटा होगा। मेरे आपके सामने एक छोटा बेटा है जो खुदा ने इसको दिया अपने दिए हुए दर्शन के अनुसार। हालेलुया। तो बबली चर्च के बारे में, प्रभु के बारे में क्या बोलना चाहेंगी? दर्शन के बारे में क्या सोचे? परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा मुझे बेटा दिया। परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। आप सभी भी पिता से मांगोगे, आपको भी यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जोरदार महिमा करेंगे।